आज के 11वें नंबर के प्रश्न पर सिर्फ मैंने एक विभाग का पूछा, चारों कर्मचारियों को कब कब नियुक्ति दी गई ये बताना चाहिए उनको, और किस जाति के आधार पर नियुक्ति दी गई, किस जाति के आधार पर उनको प्रमोशन दिया गया, छानबीन समिति है, इम्पावर कमेटी है, उसकी बैठकें कब होती हैं, और मुझे हाउस के अंदर संशोधन दिया गया कि इम्पावर कमेटी की बैठकें हो रही, 18 बार बैठक हो गई लेकिन उसकी निराकरण नहीं हुआ। तो ये ओरिजिनल जो ओबीसी हैं, एससी हैं या एसटी हैं, उनके अधिकारों का हनन है, और ये तो एक विभाग का है। अगली बार इस पूरे विषय पर आएंगे और इस बात पर हम आग्रह करेंगे कि जो इम्पावर कमेटी है उसकी बैठकें नियमित हों और इस तरह के प्रकरण का नियमित निराकरण हो। आपको बता दूं कि नियुक्ति अनुसूचित जाति जनजाति पर, भर्ती एक जाति में, प्रमोशन पिछड़ा वर्ग में, तो एक ही व्यक्ति तीन जाति बताया। जाति प्रमाण पत्र है अनुसूचित जाति ईसाई का, तो ये तो मामला जिसके खिलाफ शिकायत है उसका प्रमोशन ही नहीं हो सकता, उसको प्रमोशन भी दिया गया, फर्जी सर्टिफिकेट पर प्रमोशन दिया गया, और जो छानबीन समिति है उसकी बैठक 18 बार हो गई, उसका कोई निर्णय नहीं हो रहा है। ये तो भर्राशाही की हद है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और प्रदेश में जो उचित लोग हैं, जो पात्र और योग्य लोग हैं, उनके अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। और अगर आने वाले समय में प्रदेश में जितने मामले हैं, अभी तो मैंने सिर्फ स्वास्थ्य विभाग का मामला उठाया था, अगली बार जितने मामले हैं वो सामने लाएंगे ताकि पात्र लोगों के अधिकारों का हनन ना हो।